हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने होम वर्कआउट विद ब्रिक्स ये सीरीज आपके लिए शुरू कर दी है, तो आज हम जानेंगे बाइसेप्स वर्कआउट विद ब्रिक्स, जो इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो होगा। और अगर आपने ये पहला वीडियो नहीं देखा होगा जो हमारा चेस्ट वर्कआउट विद ब्रिक्स था, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को अभी हम शुरू कर दें। तो गाइज, हमें यहाँ पे ईंट के साथ अल्टरनेट कर्ल्स लगाने हैं। आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल धीरे धीरे से करना है, स्पीड में बिल्कुल मत करना। आपके शरीर में तभी प्रभाव आता है जब आप कोई भी एक्सरसाइज स्लोली करते हो। इसके आपको 10 से 12 रेप्स लगाने हैं 3 सेट में। फिर बिना रुके आपको दोनों हाथों से एक साथ एक्सरसाइज करना है। ये हो गया हमारा पहला एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर आपको हैमर कर्ल्स लगाने हैं 10 से 12 रेप्स के साथ। फिर बिना रुके आपको दोनों हाथों से हैमर कर्ल्स करने हैं। अभी ये हमारा तीसरा एक्सरसाइज होगा, जिसमें हम दोनों हाथों से रिवर्स कर्ल करेंगे। इस सेट में आपके फोरआर्म्स पर और बाइसेप्स पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा, जिससे आपके बाइसेप्स को बहुत ही तगड़ा पंप मिलेगा। चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे चौथे एक्सरसाइज की तरफ, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कर्ल होगा। इस सेट में आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपके बाइसेप पे रखना होगा और स्लोली स्लोली वर्कआउट करना होगा। इसके आपको दोनों हाथों से 10 से 12 रेप्स लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम जिम में प्रीचर मशीन से वर्कआउट करते हैं, वही वर्कआउट आप घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 90 डिग्री पोजीशन में बैठना है और प्रीचर कर्ल करने हैं।
ये हो गया हमारा पांचवा एक्सरसाइज। अभी हमारा लास्ट एक्सरसाइज है क्रॉस ओवर बाइसेप्स कर्ल विथ ब्रिक्स, जिसमें आपको हाथ शोल्डर के लेवल में लाकर ये एक्सरसाइज करना है। इसके 10 से 12 रेप्स होने के बाद आपको इसी पोजीशन में हाथों को 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।